रोटेशन का देखें, ये देखें ना, यू कांट रोटेट योर अब उनसे पूछे चल रहे हैं, अब कोरोना कोई और ओपन कर ये आ रहा है, सलमान आ रहा है, आ रहा है सलमान, ये कौन सी गेम है, तीसरी गेम है जी, दोनों टीमें एक एक गेम जीत चुकी हैं, 7-3 पॉइंट्स हैं। तो सामा पूछ रहे हैं कि पॉइंट्स क्या हैं, पॉइंट्स हैं कि 4-7। हाँ ये भी चाहिए जी, पानी अब साफ करो, सलमान क्या चाहोगे, सलमान सलमान 12 नंबर टी शर्ट में बहुत अच्छे टाइम के वक्त से खिलाड़ी रहे हैं, आए मेरे दिल को लाए, बहुत अच्छा आइडिया जी, बहुत अच्छा आइडिया, ये दो दिखो दिखो, यहाँ से मैं बॉल उठाया क्या चाहो, सलमान लियाकत की सर्विस, दूसरे मैच की टीम का प्रभाव करते हैं, 12 नंबर टी शर्ट में बहुत अच्छे अपने टाइम के वक्त के खिलाड़ी रहे, बड़ा अच्छा डिफेंस, बहुत अच्छा डिफेंस, अरे क्या बात है, वलीद की तरफ से बूस्टिंग और जुबैर का अच्छा स्मैश, लेफ्ट हैंड से सर्विस की थी, बड़ी अच्छी सर्विस, यासिर ने बॉल उठाई स्मैश, और ये बड़े अच्छे तरीके से बड़ी अच्छी रैली, अरे क्या बात है जी, क्या बात है जी, 5-8 पॉइंट्स हो चुके हैं जी, उसामा इस वाह जी वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा डिफेंस, याद कितने भरपूर कोशिश की पर बॉल गिर गई, सेट चेंज हो गया जी, सेट चेंज हो गया, साइडें चेंज होंगी जी, ओके 8 पॉइंट पे लियाकत, लियाकत सर्विस कराते हुए, बड़ी अच्छी सर्विस, डिप कराते हुए सर्विस, अरे क्या बात है, जुबैर का आइडिया, ग्रुप में शेयर करो ना, बोले और बोले बोले और बोला, 6-8 इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा साइकिन में शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इस मैच से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें, ये मैच अपने जारी और सारी है, दूसरा मैच भी है, इसके बाद दूसरा मैच जारी है जी, होने वाला है जी, दूसरे मैच की टीम्स अपना वार्म अप करते हुए जी, साइकिन की अच्छी तादाद, साइकिन की अच्छी तादाद जी इस टाइम हाथी पार्क क्रिकेट ग्राउंड, हाथी पार्क ग्राउंड में मौजूद है जी, बड़ी अच्छी स्मैश यासिर की जानिब से,
मैच का रुख मोड़ते हुए बड़ा अच्छा डिफेंस, बहुत अच्छा डिफेंस। अरे क्या बात है जी, अरे क्या बात है, क्या बात है। वलीद की तरफ से बूस्टिंग और जुबैर का अच्छा स्मैश। एट ऑल चेंज। वलीद एट ऑल चेंज। वलीद बोला वलीद इस मैच के रेफरी हयात खान और अब्दुल समीद, जिनके ऊपर भारी जिम्मेदारियां। बॉल कमेंट्री बूथ की जाने बढ़ता हुआ, पर 5-8 पॉइंट्स हो चुके हैं जी और ये आउट मार देंगे। उसामा इस टाइम अपनी शरारतों में मसरूफ। इस मंच के अब्दुल समद, अब्दुल समी, साजिद अंकल, लियाकत की जाने से सर्विस वॉलीबॉल कोच और वॉलीबॉल प्लेयर पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर चुके हैं जी, वो भी मौजूद इस टूर्नामेंट की निगरानी मोहम्मद अकरम कुरैशी, मोहम्मद अमीन कुरैशी के नाम। पहला मोहम्मद शफीक मेमोरियल टूर्नामेंट, वॉलीबॉल टूर्नामेंट, जो मोहम्मद अकरम कुरैशी, मोहम्मद अमीन कुरैशी की जेर सरपरस्ती स्टार क्लब ने मुनक्किद किया। लियाकत, लियाकत सर्विस कराते हुए जी, बड़ी अच्छी सर्विस जी, 9-8 पॉइंट हो चुके हैं। डिप कराती हुई सर्विस जी, अपनी टीम को जीत के करीब। अरे क्या बात है, जुबैर का आइडिया, बड़ा अच्छा डिफेंस। भोले उर्फ भोले, वलीद उर्फ भोला, लियाकत से डिफेंस ना हो पाया। 6-8 9-9 9-9। उसामा इस टाइम कमेंट्री बॉक्स में मौजूद। उसामा क्या कहेंगे, बहुत अच्छा मैच है, आप लोग आएंगे देखेंगे। 6-8 टाइम आउट जी। अंकल पॉइंट कितने, पॉइंट 7-8 जी, पॉइंट 7-8 हुए जाते हैं। स्टार क्लब वाकेंट की जानिब से बड़ा अच्छा अरेंजमेंट स्टार क्लब के, बहुत अच्छे उभरते हुए खिलाड़ी यहां पे मौजूद, जिनकी काविशों से ये मेला सजा है। बड़ी अच्छी स्मैश यासिर की जानिब से मैच का रुख मोड़ते हुए लियाकत 8 ऑल हुए जाते हैं। टाइम आउट लिया गया जी, टाइम आउट 10 ऑल। ये तीसरा सेट है उस्मान अयाज। अरे क्या बात है जी, क्या बात है जी, लियाकत यासिर को बॉल दिया, यासिर ने नेट पे मार दिया। 8 ऑल चेंज। उस्मान भाई बड़े अच्छे खिलाड़ी थे हमारे, मीर नमान था, थैंक यू जी। वलीद 8 ऑल चेंज। वलीद बोला वलीद, अपने अपने ग्रुप में इस लिंक को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा आवाम इस चीज को देख सके। दूसरा बस इस मैच के रेफरी हयात खान और अब्दुल समी, जिनके ऊपर भारी जिम्मेदारियां। बॉल कमेंट्री बूथ की जाने बढ़ता हुआ, 11-10 पर बड़े अच्छे तरीके से बचाया और ये आउट मार देंगे। सलमान, सलमान रूहे रवा इस मंच के। अब्दुल समद, अब्दुल समी, साजिद अंकल, मोहम्मद अकरम कुरैशी, माए नाज अपने वक्त के खिलाड़ी, इंटरनेशनल वॉलीबॉल कोच और वॉलीबॉल प्लेयर पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर चुके हैं जी, वो भी मौजूद इस टूर्नामेंट की निगेबानी मोहम्मद अकरम कुरैशी, मोहम्मद अमीन कुरैशी के नाम। पहला मोहम्मद शफीक मेमोरियल
टूर्नामेंट, वॉलीबॉल टूर्नामेंट जो मोहम्मद अकरम कुरैशी, मोहम्मद अमीन कुरैशी की जेर सरपरस्ती स्टार क्लब ने मुनक्किद किया था। नाइन एट पॉइंट हो चुके हैं जी। लियाकत ने अपनी टीम को जीत के करीब कर दिया, ये चार पॉइंट से नौ पॉइंट पर जा चुके हैं। बड़ा अच्छा डिफेंस, जुबैर ने स्मैश की। अरे क्या लियाकत से डिफेंस ना हो पाया। पॉइंट्स हो चुके हैं नाइन ऑल, नाइन ऑल। उसामा इस टाइम कमेंट्री बॉक्स में मौजूद। उसामा क्या कहेंगे? बहुत अच्छा मैच हो रहा है। दूसरे के कोर्ट में जाना मना है। और ये मैच बढ़िया भरपूर ट्राई की। काजी भाई बचना, काजी खड़े हो चुके हैं इधर आए ना। काजी ऐसे कैसे बैनर पे नाम लिखवा लिए तो आप एंट्री नहीं देंगे? काजी भैया ये पहले लाला रूप क्लब चलाते रहे हैं, पुराने जो है वो खिलाड़ियों में इनका शुमार होता है और इनके बगैर ये टूर्नामेंट जो है ना वो अधूरा भी है। जवानी की तस्वीरें देखिए और ट्रॉफियों के साथ देखिए। जाते हैं नाइन का काजी भाई का बहुत बड़ा रोल है। काजी भाई सुनाई कैसे हमारे मीडिया मैनेजर आजम उस्मान नाइन ऑल पॉइंट्स हुए थी नाइन ऑल। हाँ भी अगर वलीद को ज़्यादा खिलाए ना तो मुमकिन हो सकता। अरे मैं तो ये कहता हूँ पर ये कहते हैं कि नहीं वलीद को मौका नहीं देना। देखें वलीद की कितनी अच्छी बॉल उठाया इन्होंने वलीद ने। अरे क्या बात है जी स्मैश पर ये हाँ जी ये पार कर चुके। दूसरे के कोर्ट में जाना ममनू है। नाइन ऑल टेन ऑल पॉइंट्स टेन ऑल हुए जाते हैं। टाइम आउट लिया गया है जी। टाइम आउट टेन ऑल। ये तीसरा सेट है। उस्मान अयाज मीर नमान साहब थैंक यू जी आप लोग यहाँ पे इस मंच पे इस जगह पे तशरीफ लाए। यहाँ पे उस्मान भाई बड़े अच्छे खिलाड़ी थे हमारे मीर नमान साहब थैंक यू जी। उसामा उस्मानी राजा नईम आपका भी शुक्रिया। ताकि ज्यादा से ज्यादा वहाँ इस चीज को देख सके। माने बॉल देख जल्दी वो जबरदस्त लेकिन वो किया बॉल को जाती भाई गुड पॉइंट जाती भाई का पॉइंट भाई जाती भाई पुराने प्लेयर के अंदर इनका शुमार होता है। फर्स्ट टाइम ये टीम हमारे साथ खेलने के लिए यहां पर आई है नौजवान 710 पूरी चलाती है 1110 सॉरी 1110 के नाम से और सलमान ने शेयर किया हुआ लिंक देखिए इधर। बड़ा अच्छा डिफेंस आइडिया लगाया पर यासिर ने बॉल बना दिया और नेट पे टच हो गए जुबैर। 12-10 मैच वापस खान क्लब की जाने।
बेहतरीन बेहतरीन स्मैश किया जादी भाई, बहुत आला पॉइंट जादी भाई की तरफ से। जो टीम गेम के अंदर इससे सूरज गुरु हो चुका है और टाइम शॉर्ट है, इसकी वजह से जल्दी जल्दी मैचेस हो रहे हैं, तेज तेज चल रहे हैं। टीम फर्स्ट टाइम आई है, मैं पहले भी बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम यहाँ पे खेलने आए हैं इन्होंने। नेट पाओ लली का, नेट पाओ लली का, नेट फर्स्ट एम्पायर की राय जो है वो हयात लाला दे रहे हैं अंजाम। और पिछले मैच में भी यही थे, बॉल आउट है जी, बॉल अली और नेट के अंदर अली प्लीज लियाकत की जानिब से सर्विस, दो बच्चों ने काफी मेहनत किया यहां पे रौनक लगाने, बड़ा अच्छा डिफेंस। अरे क्या बात, यासिर ने लियाकत ने बॉल उठाई, स्टार क्लास का पॉइंट है, यासिर बूस्ट करेंगे, जुबैर ने बॉल अगेन, बहुत आला बहुत आला। जुबैर इस टाइम कहते हैं कि बार बार मुझे बॉल दे, और ये पॉइंट हो गया, इजी हो गया। टेंपरामेंट की गेम है वॉलीबॉल, टोटल टेंपरामेंट की गेम है। जैसे आप देख रहे हैं पहले भी टीम ने यहां पर मैच खेला और लीडिंग स्कोर के बावजूद वो यहां से मैच हार गए, क्या किसी वजह से कि टेंपरामेंट लूज कर लेते हैं टाइम के साथ गेम के साथ। यहां पर बड़ी अच्छी स्मैश के बाद आप भी मैच में बहुत मसले मसाइल हो सकते हैं। और अली का बहुत अच्छा बॉल लगा, कमाल का बॉल, वापस आ गया अली के पास, वापस आ गया जादी भाई के पास, बहुत आला जादी, जादी भाई के हाथ में कहते हैं जादी भाई के हाथ में पॉइंट, लो कहते हैं जादी भाई के हाथ में पॉइंट है भाई। दिल्ली बहुत जबरदस्त, दिल्ली काफी टाइम बाद दोबारा ग्राउंड बॉल आउट मार दी देने के बाद बोला ने लियाकत, सलमान भाई हमारे साथ मौजूद है, सलमान भाई मेन इंतजामिया के अंदर पूरे क्राउड को हैंडल किया हुआ है, और साथ में सबसे बड़ी बात ये टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराना सबसे बड़ी चीज। सलमान भाई कैसा लग रहा है मेरे सामने, काफी अच्छी बात यहां पे टूर्नामेंट वाक एंड के अंदर हो रहा है, लोगों का बड़ा थोड़ा सा जलजला है। आखिरी पॉइंट है जी, आखिरी पॉइंट, बड़ी ड्यूटी है मेरे भाई, यासिर ने बॉल उठाई पर जुबैर ने टच आउट करा दी थी। देखते हैं कि लियाकत बॉल गेम को दोबारा से अपने हक में करते कर पाते हैं या नहीं। 11 लॉस, बहुत उम्दा आइडिया, मैच पॉइंट 11, आखिरी पॉइंट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अरे ये क्रॉस कर गए, दूसरे के कोर्ट में जाना मना है, और ये मैच का खत्म हो गया। उस्मान भाई साबिर भाई गुड गेम यार, गुड गेम, साबिर भाई ये कैसला थे राहुल लाला के साथ, लाला गुड गेम, कैसा लगा आप पहली दफा यहाँ पर आए हैं, कैसा लगा दूसरी दफा आए हैं, और कैसे तासरात हैं, ठीक है जगह ठीक है। मुस्तफा भाई सुनाए, हर दफा हम उधर आते हैं, इस दफा आप इधर आए हैं, कैसे तासरात, गेम आप जीत गए, ठीक है मुझे लग रहा है कि सेमीफाइनल में पहुंच गए। महमूद भाई जनाब कैसे हैं सर, अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत सही है ना, थैंक यू वेरी मच, नहीं तबीयत सही रखा कर यार आप बहुत अच्छे इंसान। असद भाई सर कैसे हैं आप, ये लाला रुख क्लब स्टार क्लब की आन बान शान, असद भाई अभी दूसरा मैच होने लगा है लाला रुख वैसे अल्लाह जी जो है ये खुशियां कायम रखे, ग्राउंड कायम रखे, सारे नौजवान सेहतमंद रहे, ऐसे ही उस्ताद जी खड़े हैं चुप के यहाँ पर, इधर आए ना उस्ताद जी, ऐसे कैसे बैनर पे नाम लिखवा लिए तो अब इंटरव्यू नहीं देंगे। काशी भैया ये पहले लाला रुख क्लब चलाते रहे हैं और पुराने जो हैं वो खिलाड़ियों में इनका शुमार होता है, और इनके बगैर ये टूर्नामेंट जो है ना वो अधूरा भी है। हमने इनकी जवानी की तस्वीरें देखी और ट्रॉफियों के साथ देखी हैं, इस गेम को यहाँ पे वॉक एंड में आबाद करने में काशी भाई का बहुत बड़ा रोल रहा है हमेशा। काशी भाई सुनाए कैसा रहा है माहौल, कैसा नजर आ रहा है, ठीक है, अच्छा माहौल है, अच्छी बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने माहौल को जिंदा रखा हुआ है, और हमारे ऐसे बुजुर्गों को
तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है, हम बहुत खुशी होती है ऐसी एक्टिविटी देख। ठीक है, काशी भी आते हैं, बाकी अभी जो लोगों टीम है उनके साथ भी साथ बैठे अकरम कुरैशी साहब बैठे हैं। अकरम कुरैशी साहब बैठे हैं, आगे चैटो। हेलो हेलो, अकरम कुरैशी साहब बैठे हैं हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान टीम के एक्स पाकिस्तान टीम प्लेयर रहे हैं, क्योंकि वॉलीबॉल के अंदर इनका बहुत बड़ा नाम रहा है और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोचिंग वगैरह भी करते रहे, और उनकी खानदान से इस टाइम हमारे पास 4 से 5 प्लेयर हैं जिन्होंने वॉलीबॉल को आबाद रखा हुआ है, और इनका साया अल्लाह ताला हमेशा हमारे सरों पे कायम दायम रखे, और इंशाल्लाह इनसे बात करेंगे, मेहमान खसूसी हैं दोनों मैचेस के, इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। सपोर्टर आए हैं लूजिंग टीम के, सर समझ भाई इस टाइम हमारे साथ मौजूद है, समझ भाई इस टाइम लीड कर रहे हैं, लाला रोक की जो सीनियर टीम है उसको लीड कर रहे हैं, इस टाइम हमारे साथ पीएफ के भी कुछ खिलाड़ी मौजूद हैं, साथ मौजूद है 2-3 और खिलाड़ी, जुबैर मौजूद है, जुबैर टेक्सला में भी नजर आया हमें, और आज में भी बहुत अच्छी गेम थी, समझ भी कैसा रहा है आज का मैच, हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है, ये हेल्दी एक्टिविटी हो रही है, इन चीजों की जरूरत ये लोग यहाँ आते हैं, आप देखेंगे माशाल्लाह कितनी अच्छी बात, प्लेयर्स यहाँ पे आ रहे हैं और ये एक मोटिवेशन है, इनकरेजमेंट है, आगे इनको देखें और खेलें, और दूसरी बात ये है कि स्मोकिंग या और चीज़ें हैं उसकी हटती है, हेल्दी है, तो यहाँ से एक अच्छा समझ भी। कितने कितने अरसे बाद आप देख रहे हैं लाला रुख में किसी ने टूर्नामेंट करवाया है और इस तरह, जगह की नहीं थी ये भी हमने इंशाल्लाह जो इंतजामिया जो देख रही है जितने भी लोग हैं वहाँ कैंड के, और इन चीज़ों के ऊपर नजरें पानी करेंगे, नौजवान नस्ल अगर खेलती रहेगी तो इंशाल्लाह वही फ्यूचर है, गेम्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पढ़ाई जरूरी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत अच्छी कवरेज कर रहे हैं, और मुश्किल काम है मीडिया कवरेज करना आपका, ऐसे ही है, बहुत ही आप लोगों का लोगों की सपोर्ट है, शुक्रिया अदा करते हैं, और ये अभी अशार क्लब जूनियर का मैच है और काफ़ी अच्छा मैच होगा, ये भी मैच समझ भी तकरीबन शुरू हो गया है, हो चुका है मैच, इस टाइम लाइन अंपायर भी खड़े हैं, महमूद भाई खड़े हुए हैं हमारे साथ सेकंड अंपायर, और साथ में जो है वो सलमान मौजूद है, सलमान हयात लाला मौजूद है हमारे साथ, बहुत ज़बरदस्त विकी ने बूस किया बॉल को, जादी भाई गुड पॉइंट, जादी भाई का पॉइंट हुआ ये, जादी भाई पुराने प्लेयर्स के अंदर इनका शुमार होता है, और फर्स्ट टाइम ये टीम हमारे साथ खेलने के लिए यहाँ पर आई है, नौजवान लड़के नज़र आ रहे हैं, फुर्ती चलाकी हर चीज़, वॉलीबॉल वॉक एंड के नाम से, और सलमान ने शेयर किया हुआ लिंक देखिएगा, और जादी भाई को शायद कोई इशू है किसी चीज़ से, आउट होगी बॉल, बड़े से बाद ग्राउंड में बिल्ली भी मौजूद हैं, बिल्ली ने पीछे भी वॉलीबॉल को खैराबाद किया दिया था, लेकिन दोबारा इस टाइम जो है वो इन एक्शन नज़र आ रहे हैं, बहुत बेहतरीन स्मैश किया जादी भाई, बहुत आला पॉइंट जादी भाई की तरफ से, जो टीम गेम के अंदर इस टाइम सूरज गरूब हो चुका है और टाइम शॉर्ट है, इसकी वजह से जल्दी जल्दी मैचेस हो रहे हैं, तेज़ चल रहे हैं, टीम फर्स्ट टाइम आई है, मैं पहले भी बता रहा हूँ फर्स्ट टाइम यहाँ पे खेलने आए हैं, इन्होंने हमें इज्जत दी है, नेट फाउल अली का नेट फाउल, फर्स्ट अंपायर के प्राइज़ जो हैं वो हयात लाला दे रहे हैं, और पिछले मैच में भी यही थे इन्होंने जो है, बॉल अली और वे नेट के अंदर, अली प्लीज़, नौमी राज हैं ये लोग, इन लोगों की मेहनतें हैं, इन्होंने काफ़ी मेहनत की है, हमारे साथ मिठू भी मौजूद हैं, दो बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है यहाँ पे रौनक लगाने के लिए, जिस तरह हर बंदे की एफर्ट है, इन लोगों की भी खास एफर्ट मैचेस, पॉइंट हो गया है स्टार क्लब का, पॉइंट हुआ है, पॉइंट
बहुत आला बाबू बहुत आला शाबाली शाबा बहुत जबरदस्त 2-1 स्कोर चल रहा है इस टाइम और ये पॉइंट हो गया इजी हो गए टेम्परामेंट की गेम है वॉलीबॉल टोटल टेम्परामेंट की गेम है जैसे आप देख रहे हैं इससे पहले भी टीम ने यहाँ पर मैच खेला और लीडिंग स्कोर के बावजूद वो यहाँ से मैच हार के गए सिर्फ किसी वजह से टेम्परामेंट लूज कर लेते हैं टाइम के साथ गेम के साथ यहाँ पर सिचुएशन उस तरह हाथ में हो उसके बाद आप जो मैच निकाल दे तो बहुत मसले मसाइल हो सकते हैं और अली का बहुत अच्छा बॉल लगा कमाल का बॉल वापस आ गया अली के पास वापस आ गया बॉल जादी भाई के पास बहुत आला जादी भाई जादी भाई के हाथ में कहते हैं जादी भाई के हाथ में पॉइंट है लोग कहते हैं जादी भाई के हाथ में पॉइंट है भाई दिल्ली बहुत जबरदस्त दिल्ली काफी टाइम बाद दोबारा ग्राउंड के अंदर मौजूद है रिटायरमेंट देने के बाद बहुत अली 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 सलमान भाई हमारे साथ मौजूद हैं सलमान भाई मेन इंतजामिया के अंदर हैं पूरे क्राउड को हैंडल किया हुआ है और साथ में सबसे बड़ी बात ये कि टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराना सबसे बड़ी चीज़ है सलमान भाई कैसा लग रहा है मेरे हिसाब में काफ़ी अर्से बाद यहाँ पे टूर्नामेंट वाक एंड के अंदर हो रहा है लोगों का बड़ा सपोर्ट है कैसा लग रहा है क्या कहना चाहिए हमारे पास नया प्लेयर आए वो खेले टूर्नामेंट खेले आपको और उसको कोई जॉब वगैरह लगे यहाँ के पीछे जैसे मेरी जॉब है और भी काफी सारे जॉब है जॉब होल्डर हैं इस टाइम जो है वो मैनेजमेंट के अंदर भी मौजूद है मैच बहुत अच्छे क्रूशियल टाइम के अंदर मौजूद है मगरिब होने से थोड़ा ही टाइम रह गया अगर ये पहले सेट को फिनिश करें उम्मीद यही है कि दूसरा सेट हो जाए ठीक है टच आउट की कॉल की है आई थिंक टच आउट हो गया लाला रंग स्टार क्लब जूनियर की तरफ से बिली जो है वो सर्विस करवाएंगे और विकी बूस्टिंग कर रहे हैं जादी भाई कुछ खेल रहे हैं राइट साइड पर गुड डैड शाबा बाबू मौजूद है बाबू जब बहुत ज़्यादा जो है ना वो फेमस किस्म का जो है बाबू बहुत पुराने क्लब में बहुत सारे लोगों के साथ जो है वह खेला हुआ है यहाँ पर आए हैं और आकर वो गेम प्ले कर रहे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है काफ़ी लड़के मौजूद हैं यहाँ पर जूनियर टीम अच्छी गेम जादी भाई के हाथ में फिर से एक दफ़ा बॉल आ गया जादी भाई बहुत ज़बरदस्त बॉल को खेलते हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म का कवरेज है यहाँ पर बॉल बहुत आला ये मैंने जैसा बताया कि टूर्नामेंट की गेम है जल्दबाजी नहीं कर सकते आप हमारे पास इस टाइम कलर प्लेयर भी मौजूद हैं हमारे बड़े मोहतरम हैं बड़ी इज्जत करते हैं फिर इस दफ़ा टूर्नामेंट में अपनी टीम लेके आए हैं और फिर रिस्पेक्ट करते हैं हमारे साथ ही मौजूद हैं हमारे साथ बड़ा अच्छा टाइम इन्होंने हमारे साथ गुजारा कैसा रहा उस्ताद जी देख के आज आपने मैच खेला है काफ़ी अच्छा मैच रहा है कैसा रहा आपको क्राउड भी ठीक है माशाल्लाह वॉक एंड में खासतौर पर लाला रूप में काफ़ी अर्से बाद ही एक्टिविटी देखने को मिली कैसा क्या कहते हैं यहाँ पे ठीक है उस्ताद जी इंशाल्लाह आप दोबारा इसको लगते हैं हाजी साहब मौजूद हैं हमारे साथ पिंडी से आए हैं घर भी नहीं गए और आके सीधा यहाँ पर मैच देख रहे हैं यही जज्बा चाहिए नौजवानों से नौजवान हैं हाजी साहब आप कह रहे मैं नौजवान हूँ शेख शकील साहब मौजूद हैं दोबारा से हम इसी को कंटिन्यू करेंगे बीच में कॉल्स वगैरह भी आ रही हैं उस कॉल्स को भी लेना पड़ता है साजिद अंकल बैठे हुए हैं स्कोरिंग की जिम्मेदारी साजिद अंकल के अपने हाथ में गुड मैच हो रहा है यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त मैच हो रहा है अंकल पॉइंट फाइव ऑल हो चुका है अच्छा मुकाबला चल रहा है अंकल दूसरी टीम का क्या नाम है कहाँ से आए हैं टेक्सला गार्डन से टीम लेके आए और अच्छा खेल रहे हैं जूनियर्स को टफ टाइम दे रहे मुझे लग रहा है रेगुलर जादी भाई के हाथ में है और जैसे हमने कहा था जादी भाई के हाथ में पॉइंट है दूसरी तीसरी दफ़ा ये देखने को मिल रहा है चोईसा मौजूद है चोईसा भी जो है वो हमारे सीनियर प्लेयर है सीनियर टीम के अंदर खेलते हैं चोईसा कैसा माहौल नज़र आ रहा है और उस्ताद मोहतरम का तो हम इंटरव्यू ले चुके हैं
कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम कदन होते समझ रहे हैं कि ना कौन कौन से हार गए उस्ताद जी के, वो हमारी टीम खेल रही है, इंशाल्लाह जीतेंगे।